हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं। जो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और जो है एनालॉग अजंता की एनालॉग वॉल क्लॉक, जो ये मुझे पड़ी थी 550 रुपये की। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसा है ये प्रोडक्ट और क्या है इसका मटेरियल कुछ खास, और कितना सेंटीमीटर बताया गया है और कितना सेंटीमीटर मुझे मिला है। तो चलिए ये सब मैं आपको आप बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करिए, मेरे लाइक कीजिए चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये है गाइस वो घड़ी, ये है अजंता की क्वार्टर्स, जो अजंता कंपनी है आप तो जानते ही कितनी पुरानी कंपनी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ख़राब तो होगी नहीं जल्दी, इसीलिए मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में तो मैंने ये मंगाई थी। और ये आप पीछे से देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी है, देख सकते हैं ये देखिए। और ये है इसमें जो पीछे का मोटर है, और उसमें एक बैटरी पड़ी, ट्रिपल ए एक बैटरी पड़ी हुई है, डबल ए आप देख सकते हैं। और ये मुझे पड़ी है 550 रुपये की। और ये जो है ये प्लाई बोर्ड है या फिर ये लकड़ी है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आप पास से देख सकते हैं, मुझे तो ये दफ्ती टाइप की लग रही है, लेकिन है सॉलिड, मज़बूत बनी है। लेकिन है बड़ी पतली सी लगती, आपको लगेगी कि सॉलिड नहीं है, लेकिन सॉलिड बहुत है। आप देख सकते हैं ये मेरा हैंड है, इतनी बड़ी ये है इसका बीच का राउंड, आपको राउंड छोटा लगेगा। और ये मैंने जब मंगाई थी वो 30x30 सेंटीमीटर की मंगाई थी, लेकिन आई है तब मैंने इसका मेरे स्केल रख के जब चेक किया तो पता चला कि ये 28 सेंटीमीटर है। देखिए 1 सेंटीमीटर नीचे से, 1 सेंटीमीटर ऊपर से, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको मैं आपको दीवार में भी फिट करके दिखाऊंगा कि कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज तो बेमिसाल लगती है, कोई भी कमी नहीं है। आप देख सकते हैं इस घड़ी में बहुत ही अच्छी घड़ी लग रही है ये देखने में। मैं आपको वॉल पे टंगी हुई भी दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ फ़ोटो लिए हैं, जिससे मैंने दूर से लिए हैं, फिर पास से, फिर और पास से, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसा ये प्रोडक्ट है और कैसा आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मैं पूरा आपको डिटेल में आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा है, या फिर मुझे कुछ सुधार करना चाहिए इसमें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। गुड बाय।